ये मेरे नींबू के पेड़ सितंबर 2020 की प्लांटेशन है। मैं इनमें अक्सर आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। पेड़ स्वस्थ है, ये साई सरबती का पेड़ है, आप देखेंगे। और इन पौधों में जब मैंने दिखाया था कि जड़ गलन का रोग आया था, पूरी टहनियाँ सूख गई थी, और फिर हमने जो बोर्डो मिक्सर इनकी जड़ों में ड्रेंचिंग की थी दो बार, उससे पौधे स्वस्थ हो गए थे। और देखिए नीचे मैंने इसमें थोड़ी मल्चिंग भी की हुई थी, थोड़ी मिट्टी चढ़ाई हुई है। मुख्य बात यह है कि ये तना देखिए कितना मजबूत है। अब इनमें फरवरी के बाद मैंने कोई भी पेस्टिसाइड प्रयोग नहीं किया दो दिन पहले तक। क्यों नहीं किया, ये अनुभव आज मैं आपके सामने साझा करता हूँ। किसान साथियों, अभी एक सप्ताह पहले मैंने इनमें बैसिलस थेरुंजेसिस और वर्टिसिलियम लेकानिका 5 ml प्रति लीटर का दोनों को मिलाकर स्प्रे किया था। ये दोनों आपकी जो डिजीज हैं, जैसे कि जो पेस्ट है, जैसे कि आपका ये नींबू की तितली है या एफिड है या आपके जो थ्रिप्स है, इन सब को कंट्रोल करता। फरवरी से लेकर अब तक मैंने जो मैंने डॉक्टर राजन लेबोरेटरी से फॉयलर केयर का जो पेस्ट मंगाया था वो भी किया था, और एक और मैंने अलग से भी बोतल मंगाई थी बैसिलस थेरुंजेसिस और वर्टिसिलियम लेकानी की, वो भी की थी। तो मैंने एक साइकिल बनाई थी कि पहले बायोफोलियर केयर पेस्ट के लिए जो था वो किया मैंने, उसके 15 दिन बाद मैंने अपना जो मैंने एक बायो पेस्ट बनाया था जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूँ कि 10 पत्तियों के रस से और उसमें लहसुन प्याज अदरक और हरी मिर्च डालकर, तो वो भी किया था। उसके अलावा मैंने कोई भी पेस्टिसाइड यूज नहीं किया था। पौधे ठीक चल रहे थे, जब रिकवर हुए तो देखिए आपको हरे भरे हो गए। तो 15 दिन में एक बार मैं वो पेस्ट करता था, एक बार ये करता था, एक बार बैसिलस थेरुंजेसिस और वर्टिसिलियम लेकानी करता था। अभी एक सप्ताह पहले मैंने इन पे बैसिलस थेरुंजेसिस और वर्टिसिलियम लेकानी किया था। अभी मैं नागपुर गया था पौधे लेने, तो वहाँ पर हमारे ग्रुप के एक सदस्य हैं पराग जी, तो जब उनके बाग पर गया मैं नींबू के, तो मैंने देखा कि उनके नींबू पर कोई भी कीट नहीं था और पौधे स्वस्थ थे। वो दूसरी बात थी कि उनके पौधे बिल्कुल 2 साल से बहुत छोटे छोटे पौधे थे। उनके फादर कहने लगे कि त्यागी जी सब चीज़ ठीक है, पर 2 साल में पौधों की कोई बढ़वाड़ नहीं हुई। वो हुई एक बात। तो वहाँ पर एक सज्जन थे जो उनके बाग का बायो पेस्ट वगैरह का जो डिजीज थे उनसे उनका ट्रीटमेंट करते थे। उन्होंने मुझे 2 बोतल दी थी, मुझे पता नहीं वो क्या बोतल थी। तो एक बार मैंने वो भी किया था, उसमें दोनों को मिलाकर जो भी मात्रा उन्होंने बताई थी मुझे अब याद नहीं है, एक बार वो भी किया था। एक सप्ताह पहले मैं बाग में जब घूम रहा था तो मुझे लगा कि जिस तरह से ये देखिए ये टहनी है और इस पर कोई भी एक भी पत्ता नहीं है, ये देखिए अब नए निकलने लग रहे, इस पर कोई पत्ता नहीं है। इसी प्रकार अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए इसकी सब पत्ते ये खा लिए इसमें, ये क्या चीज़ है। तो मैंने फिर उसका अच्छी तरह ध्यान से देखने लगा तो मैंने देखा कि ये देखिए अभी भी आज भी ये इसमें नींबू की तितली थी, ये देखिए ये मर चुकी है, ये नींबू की तितली है, ये भी मर चुकी है, ये वाली देखिए ये भी मर चुकी है। इस तरह से जो इनमें जो उसकी अंतिम अवस्था थी वो भी मिली, और तो मुझे पूरा शक हो गया। फिर मैंने अच्छी तरह से पौधों को देखा तो मुझे लगा कि इनकी काफ़ी मात्रा है और इसीलिए मेरे ये पत्ते खाए हुए हैं इसमें। ये तो हुई एक बात। एक मुझे और सुंडी मिली इसमें, ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये भूरे रंग की है। जब मैंने इसका पता किया तो मुझे बताया गया कि ये अक्सर कर कॉटन में पाई जाती है, जो कॉटन लोग जो लगाते हैं, और चूंकि मेरे यहाँ जो घास था काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा था, ये देखिए ये मैंने अब कटवा दिया है ब्रश कटर से, तो बड़ा बड़ा हो रहा था, शायद उसके कारण आई हो। अब किसान साथियों यहाँ पर 2 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि जब मैं इन पर रेगुलरली ये कर रहा था
तो मुझे अभी तक कोई भी इसमें जितने बढ़वार हुई है उसमें कोई अधिक बीमारी नहीं है, सिर्फ एक बीमारी है, ये थ्रिप्स की। देखिए ये पत्ते अंदर की तरफ को मुड़ गए हैं, ये थ्रिप्स की बीमारी है। तो ये लगभग कंट्रोल रही, इसमें लीफ माइनर नहीं है अभी तक, नहीं है। अब शायद बारिश शुरू हुई है, अब आएगा इसमें। तो जब मैं इनमें ये सारे पेस्ट कर लिए तो ये नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि इस पर जो ये नींबू की तितली है इस पर बहुत अधिक कारगर नहीं है। जबकि मैंने आपको बताया था कि यही पेस्ट जो मैंने अमरूद का, मेरा एक बाग है जो 10x10 पर है, मैंने दिखाया था बहुत अच्छे पत्ते, उस पर मैंने कोई पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया अभी तक, भी कोई भी पेस्टिसाइड नहीं किया। जब मुझे लगा कि मेरे पौधे तो ख़त्म हो जाएंगे, आप देखिए इसमें कहीं भी कोई सूखी टहनी मैंने नहीं काटी, अक्सर बहुत कम मिलेगी, जैसे ये मिलेगी एक आधी कोई होगी, इनको मैं कटवाऊंगा, ये देखिए ऐसी बहुत कम मिलेगी। तो पौधे स्वस्थ थे लेकिन इसने मेरे पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें एक पेस्टिसाइड लगाया जो मैं सब लोगों को बताता हूँ, आप कोई भी हल्का सा लगा लीजिए, रोगोल लगा लीजिए, आप कोई भी लेंसर गोल लगा लीजिए, आप जो प्रोफेक्स सुपर लगा लीजिए। मैंने इसमें लगाया लैम्डा साइलोहेथ्रिन और 2 ml पर लीटर का जो मेरे पास रखा था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास यही अवेलेबल था। जब मैंने उसको लगाया तो उसके अगले दिन मैंने इनको सब पौधों को फिर अच्छी तरह जांच की और मुझे अब इसमें कोई भी तितलियां नहीं नज़र आती है। अब देखिए इसमें ये जो ये छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, अगर मैं ये ना करता तो ये सब के सब वो तितलियां इनको खा लेती, और मुझे उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में ये पौधा अच्छा बड़ा भरा भरा हो जाएगा। किसान साथियों, जब मैंने इसके नींबू की तितली और बायो एजेंट के बारे में और पढ़ाई की, इसके बारे में पता किया, तो मुझे पता चला कि जब ये इस तरह के पेस्ट का अटैक होता है तो आपको ये भी देखना है कि आपके आसपास क्या चीज़ें हैं। मेरे चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, शायद वहाँ से आई हूँ, थोड़ा पॉपुलर भी है, शायद वहाँ से आई हूँ। तो कहते हैं कि इसको 5 दिन में रिपीट करना चाहिए। अब सवाल ये होता है कि मैं अगर बायो एजेंट को, जो कि मुझे 500 रुपये का एक लीटर मिलता है, 550 रुपये का एक लीटर मिलता है, अगर मैं उसको 5 दिन में रिपीट करूँगा कम से कम 3 बार इसके लिए, एक तो जब तक बहुत नुकसान कर देगी। जो ये हरे वाली अवस्था है इसकी नींबू की तितली की, ये 6 ग्राम प्रतिदिन पत्ते खाती है। अगर 2 दिन भी हो गया और आपके इस पर 5-6 इल्ली हुई इस तरह की पेड़ पर, तो काफ़ी पेड़ का सफाया कर देगी तब तक तो वो। तो ये कितना महंगा पड़ेगा, आपको यहाँ पर 2 चीज़ों का भी ध्यान रखना है और उसके बारे में सोचना है। पहली चीज़ कि जो बायो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा होगा उनसे, लेकिन जब उनका आप कॉस्ट देखोगे तो उसकी कॉस्ट पेस्टिसाइड से कहीं बहुत अधिक आएगी आपको। और अगर आपकी फसल जो नींबू आ रहे हैं अगर वो उसी भाव से बिकेंगे जो कि एक पेस्टिसाइड वाले के भी बिक रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। अगर वो ऑर्गेनिक कर बिकेंगे, कम से कम दुगने भाव बिकेंगे, तभी उससे फ़ायदा होगा। इसीलिए जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड है और जो इसकी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, एक वो शब्द इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM। उसमें क्या होता है कि आप केमिकल भी करिए, आप बायो एजेंट का भी प्रयोग किए और बायो भी यूज करिए, और अपनी ज़मीन को थोड़ा सा साफ़ रखिए। देखिए जैसे मैंने अब ये साफ़ कर दी ज़मीन, और मैंने बताया था कि इसको घास कटवाने के बाद में जो ये घास पड़ा है इस पर मैंने वेस्ट डिकम्पोजर और अपना वो लगाया है जो बायो पेस्ट है वो डलवा कर करा है, तो यहाँ पर सफाई होगी, कीट कम आएंगे और पौधे सुरक्षित रहेंगे। ये जो भूरे वाली इल्ली दिखाई दे रही है ये बहुत ही खतरनाक है, और ये या तो कॉटन में होती है या बड़े बड़े घास में मिलेगी जिसकी बड़ी पत्तियां हों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पौधों के पास इस समय घास नहीं होना चाहिए। मैंने देखे कितनी अच्छी तरह सफाई कराई है। तो किसान साथियों, निर्णय आपको लेना है। मुझे कई किसान कहते हैं कि जी मैं जैविक कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई क्या प्रॉब्लम आई, एक तो कहने लगा जी मैं एक अपने गुरुजी का नाम लिया, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ और मेरे पौधों में निमाटोड आ गया। भाई अब जब गुरुजी को बुलाओ, उनसे पूछो क्या होगा।
कि नहीं साहब वो तो बहुत तगड़ा बिल आ गया उनका तो, और वो बायो एजेंट पता नहीं क्या क्या बताने लगे, भाई ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरा सिद्धांत ये है कि जब आपकी आर्टरीज जो धमनियां हैं अगर वो चोक हो गई ब्लड से, उसमें कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो आपको हार्ट अटैक आएगा। और जब उसकी अनुभूति होने लगी तो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन बचता है कि आप उसमें स्टंट डलवाएं अगर वो डॉक्टर कहते हैं तो, या आप बाईपास सर्जरी कराएं। अगर उस समय आप योग करने लगे या कोई काढ़ा पीने लगे, ये सब करने लगे, तो शायद आप फिर भगवान के पास ही पहुंच जाएंगे तब तक कहेंगे। ये मेरा सिद्धांत है और ये वैज्ञानिक सोच है मेरी इसमें करने के लिए। तो अगर आपको नहीं आने देनी है बीमारी, तो पूरा एक साल उसको नोट करिए डायरी में, कौन सी बीमारी कब आती है उसको पहले से स्प्रे करिए, और जब ये बीमारी का अटैक होता है तो उस टाइम फ्रीक्वेंटली ज़्यादा स्टे करिए। आप कॉस्ट की चिंता मत करिए, चूँकि आपको जैविक करना है। सबसे खतरनाक चीज़ मुझे जो किसानों से बात कर कर पता चलता है, किसान कहते हैं बड़े उससे जी मैं जैविक करता हूँ, तो मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ। मैंने कहा आपकी ऑर्गेनिक कार्बन कितनी है, कार्बन कितनी है? आपको ताज्जुब होगा कि 90% से अधिक किसानों को ये पता नहीं है ऑर्गेनिक कार्बन क्या होती है। अगर उन्हें ऑर्गेनिक कार्बन नहीं पता है तो आप सोच सकते हैं कि वो किस प्रकार की जैविक खेती कर रहे हैं। एक भाई ने मुझे कहा कि मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। मैंने कहा पहले क्या था इसमें, धान था, धान में कि जी वो तो सब पेस्टिसाइड और वो किए थे, तो उसके 6 महीने में जैविक खेती हो गई। किसान साथियों, एक और मैं चीज़ बताता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और जो लोग ये जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और इसकी बात करते हैं ना, तो आपको इसकी सच्चाई का भी पता लगेगा। वो क्या है, आप गूगल पर सर्च करिए सदगुरु और सोयल हेल्थ, ये तीन शब्द लिख दिए, सदगुरु, सोयल हेल्थ। और आप एक एशिया नेट पर जो न्यूज़पेपर है उस पर इंटरव्यू है उनका, तो उन्होंने बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया है, जो कि मैं ढूंढ रहा था कि इसके लिए प्रॉपर शब्द क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कोट अर्बन नॉनसेंस अनकोट। उनका जो विचार है वो वाकई वैज्ञानिक है बिल्कुल। और वो कहते हैं कि अगर आपकी सोयल की हेल्थ अच्छी होगी, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, उसमें प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन होगा, उसकी कंडक्टिविटी सही होगी, तो आपके पौधों को दूसरे जो इतने ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। याद रखिए, कोई भी खाद संपूर्ण खाद नहीं है। आपको गोबर की खाद भी डालनी है, आपको नाइट्रोजन भी देनी है, आपको फॉस्फोरस भी देनी है, आपको पोटास भी देनी है, माइक्रोन्यूट्रेंट। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जितने माइक्रोन्यूट्रेंट हैं उनमें से अधिकतर ऑर्गेनिक हैं। लेकिन अगर चूंकि चिलेटेड फॉर्म में ये आपको जो स्प्रे में करते हैं, तो वो कैसे हानिकारक हो जाते हैं? क्या हम सारा दिन जो वस्तुएँ खाते हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक होती हैं? इस पर विचार कीजिए। और सबसे पहले ध्यान रखिए कि कम कीमत में आपके पौधे कैसे अच्छे होंगे। मेरा 3 साल का अनुभव है कि अगर आप इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें 3 चीज़ें मुख्य हैं, पहला अपने बाग में कोई ऐसी वीड ना होने दें, साल में एक बार उसका सोलराइजेशन अवश्य करें ज़मीन में, उसमें साल में गोबर की खाद प्रचुर मात्रा में अवश्य प्रयोग करें, और अपने जो फर्टिलाइज़र हैं, जो आवश्यक तत्व हैं जो फसल लेने के लिए ज़रूरी हैं, वो अवश्य दें, जो माइक्रोन्यूट्रेंट हैं वो भी दें। तो आप देखेंगे कि धीरे 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 4-5 साल में आपकी जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनकी रिक्वायरमेंट लगभग आपकी 50-70% कम हो जाएगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।